इस वीडियो में हम 9th क्लास का एनसीईआरटी हिस्ट्री इतिहास बुक का पांचवा चैप्टर जिसका नाम है जर्मनी में नाजीवाद का उदय, इसका प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर जानेंगे, सभी प्रश्न का उत्तर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आप लाइक कर दीजिए। पहले में अति लघु है, अति लघु जैसे कि तानाशाह, शासन की ऐसी व्यवस्था जिसमें शासक निरंकुश तथा दूसरे का हस्तक्षेप नहीं रखता, जिसमें जनता राज्य के लिए होता है, वैसे शासक को तानाशाह कहते हैं। मतलब वो निरंकुश हो, उस पर कोई अंकुश नहीं लगा सके, और वो जो काम करता हो कोई हस्तक्षेप नहीं करे, जनता राज्य के लिए हो, बल्कि राज्य जनता के लिए नहीं। ठीक है, अगला है वर्साई की संधि। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति के लिए 28 जून 1919 को विजित राष्ट्र, जो मित्र राष्ट्र थे, द्वारा जर्मनी के साथ एक संधि फ्रांस के वर्साई शहर में की गई, जो वर्साई की संधि के नाम से जाना जाता है। अगला है तुष्टीकरण की नीति, क्या आप अक्सर मोदी जी को भी कहते हुए सुनते होइएगा तुष्टीकरण। देखिए, किसी आक्रामक शक्ति की कार्यवाही को मूक सहमति देना, मतलब कि मान लेते हैं कोई झगड़ालू व्यक्ति है, वो किसी को दबा रहा है और हम चुपचाप ऐसे देख रहे हैं उसको, तो उसका मन बढ़ जाएगा कि हमको कोई कुछ कह नहीं रहा है, उसी को कहते हैं तो मूक सहमति देना। जैसे फासिस्ट राष्ट्र कई देशों पर आक्रमण करते रहे और ब्रिटेन और फ्रांस चुप रहे, तो यही हुआ तुष्टीकरण की नीति। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न हमारा है वाइमर गणराज्य क्या है। तो जर्मन संविधान सभा का प्रथम बैठक फरवरी 1919 को वाइमर नामक स्थान पर हुई। जर्मनी संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ, 5 फरवरी 1919 को वाइमर नामक स्थान पर हुई, इसलिए यह वाइमर गणराज्य कहलाए, इसीलिए इसको वाइमर गणराज्य कहते हैं। अगला है साम्यवाद। तो प्राचीन काल से चली आ रही पूंजीवादी पद्धति एवं सामंतवाद को मिटाकर ऐसी शासन व्यवस्था कायम किया जाना जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना का विकास हो, साम्यवाद कहलाता है। मतलब पुराने संस्था को, पुराने व्यवस्था को मिटा करके ऐसी व्यवस्था, ऐसी भावना लाना जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता और भाईचारा हो, इसी को साम्यवाद कहते हैं। अगला है तृतीय राइख क्या है। तो हिटलर के चांसलर बनने पर जर्मनी में गणतंत्र की समाप्ति हुई। हिटलर जब चांसलर बना तो जर्मनी में गणतंत्र खत्म हुआ और नाज़ी क्रांति का आरंभ हुआ, जिसे हिटलर ने तृतीय राइख का नाम दिया। ठीक है, ये भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए तब तक। देखिए अगला प्रश्न है वर्साई की संधि ने हिटलर के उदय की पृष्ठभूमि तैयार की कैसे। तो उत्तर इसका होगा, हिटलर का व्यक्तित्व बड़ा ही आकर्षक और प्रभाव उत्पादक था। मतलब हिटलर आकर्षक और प्रभावशाली था व्यक्ति। हिटलर जर्मन जाति की मनोदशा से पूरी तरह परिचित था। हिटलर जो है जर्मन जाति की जो मन की जो दशा है उसे पूरा परिचित था। वह जानता था कि जर्मनी वासी वर्साई की संधि के अपमान को भूले नहीं, और हिटलर को ये बात भी पता था कि जर्मनी वासी जो है वर्साई की संधि नामक जो अपमान हुआ था जर्मनी का, उसमें उसको अभी तक भूला नहीं है। ठीक है, अब उसको भूला नहीं है तो भाषण में वह संधि का और संधि करने वाले को नवंबर क्रिमिनल्स कहना नहीं भूलता। अब भाषण में वह जो व्यक्ति संधि किया और जो उस पर हस्ताक्षर किया उसको नवंबर क्रिमिनल कहते थे। वह यहाँ तक कहता था कि वर्साई के संधि पत्र को फाड़ दो। जनता उसके विचारों से उसकी ओर आकृष्ट हुई, जनता इसी विचार से उसकी ओर आकृष्ट हुई, और जनता जो है उसे अपने राष्ट्र, मतलब जनता उसे अपने राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने वाला एवं राष्ट्रीय गौरव की स्थापना करने वाला समझने लगा। ठीक है, जैसे हमारे भारत में प्रधानमंत्री 2014 में मोदी जी आए थे तो सबको लगा कि महंगाई खत्म होगी, अच्छे दिन आएंगे, उसी प्रकार से हिटलर पर लोग भरोसा करने लगे। इस प्रकार वर्साई की संधि उसके उत्थान की पृष्ठभूमि तैयार कर दी, मतलब हिटलर आगे बढ़ने लगा। अगला है वाइमर गणतंत्र नाजीवाद के उदय में सहायक बना कैसे। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में क्रांति हुई। जर्मनी का सम्राट केसर विलियम देश छोड़कर भाग गया। अब जर्मनी का सम्राट केसर विलियम जो था अपने देश छोड़कर भाग गया, और वहाँ राजतंत्र का पतन, राजतंत्र खत्म हो गया। राजतंत्र के पतन के बाद वहाँ गणराज्य की स्थापना हुई। जर्मनी के इतिहास में यह गणराज्य वाइमर गणराज्य के नाम से विख्यात है। अब राजतंत्र खत्म हुआ तो गणराज्य, और जर्मनी के इतिहास में इसे वाइमर गणराज्य के नाम दिया गया। हिटलर के उत्थान से पूर्व इसने अनेक समस्याओं को जन्म दिया, वाइमर गणराज्य। इसी ने वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर भी किया था। महंगाई और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई,
महंगाई और बेरोजगारी। 1929 ईस्वी की महामंदी ने और जटिल बना दिया इसको। सेना भी असंतुष्ट थी, फलस्वरूप जनता का इससे मोह भंग हो गया था वाइमर गणतंत्र से। हिटलर को अच्छा अवसर मिल गया, उसने गणराज्य का विरोध किया, उसकी असफलताओं पर विचार किया और उसने नाजीवाद को बढ़ावा दिया। बढ़ावा ही नहीं बल्कि नाजीवाद कायम भी कर लिया। हिटलर इसमें माहिर था, नाजीवाद कायम हो गया। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, नाजीवाद कार्यक्रम में द्वितीय विश्वयुद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की कैसे। अब नाजीवाद का जो कार्यक्रम था या द्वितीय विश्वयुद्ध का किस प्रकार से पृष्ठभूमि तैयार की। देखिए, नाजीवाद के निम्नलिखित कार्यक्रम थे। पहला, नाजीवाद उदारवाद और लोकतंत्र का कहर विरोध की अवधारणा थी। उदारवाद और लोकतंत्र का विरोधी था, ठीक है। अतः सत्ता प्राप्त करते ही हिटलर ने लोकतांत्रिक आवाज़ को दफन करने का प्रयास किया, जो राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध हुआ, मतलब खतरनाक सिद्ध हुआ। अब दूसरा देखिए, नाजीवाद समाजवाद का भी प्रबल विरोधी था। हिटलर ने समाजवाद के विरुद्ध आवाज़ बुलंद किया, स्ट्रॉन्ग किया। उसने अपने पूंजीपतियों को अपनी ओर मिला लिया, जो अमीर लोग थे उसको अपनी ओर मिलाया। हिटलर के इस कार्य को इंग्लैंड तथा फ्रांस की ओर से अप्रत्यक्ष समर्थन मिला। वो नहीं बोला कि हम साथ हैं, बस चुप रहा, देखते रहा, तो समर्थन मिला, जिसके कारण उसका मनोबल बढ़ता गया, जिससे पूरा विश्व एक भयंकर युद्ध के नज़दीक अपने को खराब पाया। अगला कारण, उग्र राष्ट्रवाद। देखिए, हिटलर प्रचंड उग्रवादी एवं निरंकुश था, मतलब उस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता था। उसने राजनीति विरोधियों का दमन किया, जो राजनीतिक विरोधी थे उनका, हिटलर का, उसका दमन किया। उसने दूसरे का राजनीतिक जीवन समाप्त कर दिया। अब जर्मनी में एक पार्टी थी, नाजी पार्टी, एवं एक नेता था हिटलर। इस प्रकार नाजीवाद कार्यक्रम ने द्वितीय विश्वयुद्ध के तट पर से ला खड़ा कर दिया। अब बताइए, एक ही पार्टी होगा तो चुनाव लड़ना ही नहीं पड़ेगा और वही जीतेगा बार बार, और उसका जो मन होगा वही करेगा, ठीक है। इसीलिए विपक्षी पार्टी का होना क्या होता है चुनाव में, बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। क्या साम्यवाद के भय ने जर्मन पूंजीपतियों को हिटलर का समर्थक बनाया। तो देखिए, 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का प्रभाव जर्मनी पर पड़ा। यहाँ भी अनेक युवक साम्यवादी संगठन का निर्माण किए। साम्यवादियों ने वाइमर गणतंत्र को उखाड़ने एवं सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद लाने का प्रयास किया। अब वाइमर गणराज्य जो है, वाइमर साम्यवादी जो है, वाइमर गणतंत्र को उखाड़ने एवं सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद लाने का प्रयास किया। अब प्रयास किया तो आगे देखिए क्या होता है। प्रयास किया और यह प्रयास जर्मनी में राष्ट्रीयता के लिए एक निश्चित खतरा था। देश के उदारवादी लोग साम्यवादी की बढ़ती हुई शक्ति से देश के लिए संकट समझते थे। मतलब साम्यवाद का बढ़ता हुआ शक्ति देश के लिए वहाँ के लोग संकट समझते थे, उदारवादी लोग। हिटलर ने जनता को साम्यवाद के विनाशकारी परिणाम से अवगत कराया। साम्यवादी का जो विनाशकारी परिणाम था उसके बारे में हिटलर लोगों को बताया। जर्मनी का उद्योगपति, पूंजीपति एवं जमींदार वर्ग काफ़ी भयभीत हो गए, डर गए, क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था में देश की सारी संपत्ति राष्ट्रीय संपत्ति हो जाती, देश का हो जाता। उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व समाप्त कर दिया जाता, निजी मालिकाना, और उत्पादन व्यवस्था में निजी मुनाफे की भावना को निकाल दिया जाता। उद्योग पर मजदूरों का नियंत्रण हो जाता। इसी भय से भयभीत होकर जर्मन पूंजीपतियों ने हिटलर का साथ दिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अगला है, रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी क्या है। देखिए, अबिसिनियाई युद्ध में जर्मनी ने इटली की सहायता की थी, अतः रोम जो इटली की राजधानी है और बर्लिन जर्मनी की जो राजधानी है ने आपस में एक संधि कर ली। यह रोम बर्लिन धुरी के नाम से जाना जाता है। रोम और बर्लिन एक संधि किया। 1936 ईस्वी में जर्मनी और जापान ने साम्यवाद के विरुद्ध एक आपसी समझौता किया। फलतः यह त्रिदलीय संधि रोम बर्लिन टोक्यो धुरी के नाम से विख्यात हुआ, ठीक है। तो आपका जो है ये चैप्टर जो है आपका ख़त्म हुआ। इस वीडियो में हमने दूसरा आपका पाँचवा चैप्टर जो है देख लीजिए, पांचवा चैप्टर जर्मनी में नाजीवाद का उदय, यह पांचवा चैप्टर का सारा प्रश्न उत्तर जाना। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।